कुमकुमपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की एक बूढ़ी औरत थी। वो रोज सुबह भीख मांगने निकल जाती और जो भी मिलता उसको लेकर अपने घर आ जाती और उसको खाकर सो जाती। ऐसे ही दिन कट रहे थे। उसको कई कई दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला तो फिर उसको भूखा ही सोना पड़ा। एक दिन वो भीख मांगने जाती है। बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे, मेरे घर में तो खुद कुछ नहीं है, मेरे पति भी नहीं लौटे कई दिन से, मैं क्या दूं इनको। अरे माताजी, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, मैं कुछ नहीं दे सकती आपको। और उस दिन भी बेचारी बुढ़िया अपने घर आ जाती है बिना खाने के। अब कई दिन बीत चुके थे और उस रात को भी उसे भूखा सोना पड़ा था। आधी रात को जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सोचती है, अब नहीं जिया जा रहा मुझसे, इससे बेहतर मुझे मर जाना चाहिए, नहीं तो ये भूख मार देगी मुझे। और वो आधी रात को ही घर से जंगल में निकल जाती है। घने जंगल में पहुंचकर एक नदी के पास आके वो रुकती है और वहीं बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बहुत सुंदर सा खरगोश आता है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और वो बहुत ज्यादा भूखा भी होता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसे देखकर सोचती है, मेरे पास ये बस एक सेब पड़ा है, मैं वो इसे ही दे देती हूँ, कम से कम इसका पेट तो भरे, मेरा क्या है, मैं तो यहीं मर जाऊंगी। और वो उस खरगोश को वो दे देती है। तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी आती है और एक जादू होता है। वो खरगोश एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है, वो ये सब देखकर चौंक जाती है। उठो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई, तुमने अपनी परवाह ना करते हुए मुझे ये दे दिया, मांगो क्या चाहिए तुम्हें, तुम जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। बेचारी बूढ़ी औरत सोचती है, मेरी तो उम्र हो गई, अब अपने लिए मैं क्या ही मांगूं। वो बोलती है, तो एक इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारे गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, आप बारिश करा दीजिए। पर मैंने तो तुमको तुम्हारे लिए मांगने के लिए बोला था, तुम तो अब भी दूसरों के बारे में सोच रही हो। परी उस बूढ़ी औरत की इस बात से बहुत खुश हो जाती है। वो बारिश करा देती है, साथ ही बोलती है, मैं तुमको ये जादुई लहंगा फ्रॉक दे रही हूँ, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अरे, मैं तो बूढ़ी हूँ, ये कोई उम्र है मेरी ये सब पहनने की, पर एक बार ट्राई करके देखूं क्या। और उसको पहनते ही वो बुढ़िया एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे अरे, ये मुझे क्या हुआ, मैं तो एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। वो वापस अपने गांव आ जाती है। वहां आके वो देखती है, वहां पर उसकी झोपड़ी है ही नहीं, बल्कि एक महल है उसकी जगह। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। और ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल था, पूरे गांव में उसकी सुंदरता के चर्चे हो रहे थे। अरे, तुमको पता है, जो वो पिंकी बुढ़िया थी वो तो कहीं चली गई है, और रातों रात उसके घर की जगह महल बन गया, और उसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की रहती है। और ये खबर वहाँ के राजकुमार तक भी पहुँच जाती है और वो निकल पड़ता है अपने घोड़े पर गांव की तरफ। राजकुमार वहाँ पहुँच जाता है और वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो सोचती है, मैं तो बूढ़ी हूँ, अगर इसको मेरी सच्चाई का पता चल गया फिर। पर वो तब भी हाँ कर देती है और उसकी राजकुमार से शादी हो जाती है और वो दोनों महल में रहने लगते हैं। वो अपने उस जादुई लहंगे को कहीं भी नहीं उतारती थी, अगर वो उसे उतारेगी तो वो वापस से बूढ़ी औरत बन जाएगी। ऐसे ही वो महल में खुशी से रहने लगी। एक दिन वो अपने कमरे में होती है और उसी समय राजकुमार को उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। वैसे तो राजकुमारी ने सारे सैनिकों को मना कर रखा था कि कोई उसके कमरे में ना आए, पर राजकुमार आता है
और सैनिकों को बोलता है, ये मेरा भी कमरा है, अगर तुमने मुझे अंदर जाने से रोका तो मैं तुम सबके सर कटवा दूंगा। और वो कमरे में चला जाता है और तभी वो देखता है अंदर तो एक बूढ़ी औरत बैठी है और वो डर जाती है। अब क्या होगा, अब तो राजकुमार को सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम कौन हो, मेरी रानी कहाँ है, जल्दी बताओ तुमने क्या किया उसके साथ, कैसे यहाँ आई, तुमको मैं जान से मरवा दूंगा, जल्दी बताओ। वो बूढ़ी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, राजकुमार मैं ही हूँ आपकी राजकुमारी। ये कैसे हो सकता है, झूठ बोल रही हो, अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैंने तुमको कभी देखा तक नहीं था। वो अपनी तलवार निकाल लेता है। बताओ जल्दी कहाँ छुपाया है तुमने रानी को, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो बोली, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। वो फटाफट जाती है और उस जादुई लहंगे को फिर से पहन आती है और राजकुमारी बन जाती है। राजकुमार चौंक जाता है, वो बोलता है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, जाओ यहाँ से, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ, अब तुम इस महल में नहीं रह सकती। वहीं अब उसका राज भी खुल गया था तो अब जादू भी खत्म होने लगा था और उसके बाद वो अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौट जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको। एक गांव में सोनी नाम की एक लड़की रहती थी। सोनी अपनी माँ के साथ बहुत गरीबी का जीवन निकाल रही थी। सोनी की माँ बड़ी बड़ी इमारतों में ईंटें ढोने का काम करती थी, लेकिन अब बरसात का मौसम शुरू हो गया था और इसी कारण वो अब काम पर नहीं जा पा रही थी और इसी वजह से उनके घर में खाने की कमी होने लगी। धीरे धीरे करके घर में जो भी था सब खत्म हो गया। माँ आज हम क्या खाएंगे, बेटा घर में खाने को कुछ नहीं है क्या। नहीं माँ कुछ भी नहीं है, लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। रुक बेटा मेरे पास एक हार पड़ा है सोने का, मैं उसे बेचकर तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और इतना कहकर सोनी की माँ वो सोने का हार लेकर चल पड़ती है और वो पहुँच जाती है सुनार की दुकान पर। वो उस हार को बेच देती है और उससे जो भी पैसे मिलते उन पैसों को लेकर निकल पड़ी अपने घर की तरफ। रास्ते में वो सोचती है, चलो अब थोड़ा सा राशन ले लूं तब जाऊंगी घर, सोनी भूखी होगी बहुत। वो जा ही रही थी राशन की दुकान पर तभी उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और बहुत भूखी भी थी वो। बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे, भगवान तेरा भला करे। जी मेरे पास कुछ खाने को तो नहीं है, पर ये थोड़े से पैसे हैं, आप इनको ही ले लो और इनसे कुछ खा लेना। तभी बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और वो खुश होकर उसे एक पर्स देती है। ले बेटा तू ये पर्स ले जा, मैं तुझसे बहुत खुश हुई हूँ, ये पर्स कई सालों से पड़ा हुआ है मुझ पर, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तू ले जा इसको। वो बिना सोचे समझे उस पर्स को लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप तो खाना लेने गए थे, खाना कहाँ है। तभी उसकी माँ उसको सब बताती है। सोनी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और सोनी की माँ भी उस पर्स के बारे में भूल गई और उसको वहीं मेज पर रखकर वो सोने चली गई। ऐसे ही सुबह हुई। अरे ये क्या नया पर्स लिया है मम्मी ने लगता है, पर कल तक तो खाने के पैसे नहीं थे, पर्स के लिए पैसे कहाँ से आए। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे मम्मी ये पर्स आपने कब ले लिया, हम पर तो खाने के भी पैसे नहीं है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल वो जो बूढ़ी औरत मिली थी उसने दिया है ये, चलो देखती हूँ क्या है इसमें। जैसे ही वो उस पर्स में देखती है उसको उसमें से 2000 का नोट मिलता है।
अरे माँ ये देखो क्या निकला इसमें से। अरे ये तो पैसे हैं, लगता है उन्होंने ही दिए हैं मुझे। चलो फिलहाल खाना लाती हूँ मैं इनसे। वो खाना ले आती है और दोनों मस्त खाना खा लेते हैं। चलो माँ अब जो पैसे बचे हैं वो इसमें ही वापस रख देते हैं। जैसे ही वो दोबारा उसमें हाथ डालती है उसमें से फिर से 2000 रुपए निकल आए। अरे ये क्या, इसमें तो और पैसे हैं। अच्छा दिखा इधर, उसमें से और पैसे निकल आए, लगता है इसमें काफी पैसे हैं। चल बेटा आज हम कुछ अच्छा और स्वादिष्ट सा खा कर आते हैं बाहर। वो खाना खाते हैं और घर आकर सो जाते हैं। अगला दिन होता है। माँ सुनो आज हम शॉपिंग पर चले क्या? हाँ बेटा चल। वो दोनों निकल पड़े बाजार की तरफ। उन्होंने खूब सारी शॉपिंग करी लेकिन जैसे ही घर आकर उन्होंने पर्स में देखा तो उसमें फिर से पैसे थे। अरे माँ देखो इसमें तो अब भी बहुत पैसे हैं, इसमें से तो 1 रुपया भी कम नहीं हुआ है। अरे बेटा ये कोई आम पर्स नहीं है, ये तो जादुई पर्स है बेटा, और अब ये हमारा है। अब हम अमीर हो गए। जाओ आज चिकन लेकर आओ, आज हम चिकन खाएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।